करेक्ट, एडजेक्टिव फाइंड करना सीखते हैं। चैट बॉक्स सबके पास है, सबको पता है, तो चलो मुझे चैट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट करो कि कौन कौन से सेंटेंस में वर्ड आपको एडजेक्टिव लग रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। नाउ टीम इज व्हाट बच्चे, टीम क्या है, टीम के पास क्या है, डेंजरस बैट्समैन है। बैट्समैन हमारा क्या है, नाउन है। वेरी गुड प्रत्युष, वेल डन, वेल डन विशव, ओके गुड गुड अभिज्ञान, नाइस। सो डेंजरस क्या है इस बैट्समैन की क्वालिटी है कि बैट्समैन कैसा है, बैट्समैन डेंजरस है। सो डेंजरस वर्ड हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि डेंजरस वर्ड गिव्स द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन इज, कि नाउन कैसा है, बैट्समैन कैसा है टीम के पास, डेंजरस है, तो डेंजरस उसकी क्वालिटी है। सो डेंजरस एडजेक्टिव है क्योंकि वर्ड डेंजरस बता रहा है कि बैट्समैन कैसा है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट, नाउ कैंडीज आर नाउन, ठीक है, कितनी कैंडीज है मेरे पास, कैंडीज की क्वांटिटी बता रहे हैं, तो वर्ड 10 जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन कैंडी को, राइट। तो ये हमारा दैट मीन क्या बन गया, एडजेक्टिव, विच आंसर्स हाउ मेनी नाउन वी हैव, कि नाउन की क्वांटिटी क्या है। या जैसे मैं कहूँ कि आई लव दैट रेड कार, अब मेरे पास कोई सामने कुछ कार्स है, मुझे कोई पूछे कि आपको कौन सी कार पसंद है, मैं क्या बोलूंगी, आई लव दैट रेड कार और दैट वन का। सो दैट जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है किसको, कार को, वो अगेन एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है पॉइंट आउट करके। सो ये भी हमारा दैट रेड कार हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये नाउन कार को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो इट गिव्स द आंसर विच वन, आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस है, आपने आपको किसी एक को चूज करना हो, आपसे पूछा जाए कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है, आप बोलोगे दैट वन और दिस वन, है ना, करेक्ट। तो ये हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे, दैट मीन वो उस नाउन के साथ लग के उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, आई अर्न मोर मनी देन ही डज, सो मोर मनी इज अ नाउन, सबको पता है मनी नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। मोर अब बता रहा है कितनी मनी, बहुत ज्यादा मनी, हाउ मच का आंसर दे रहा है, अगेन ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, फर्स्टली रीड ऑल द एग्जांपल्स, देन आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, आई हैव अ ग्रामर बुक ऑन माय डेस्क, नाउ बुक इज अ नाउन, ग्रामर इसके बारे में है, ठीक है, इवन डेस्क इज ऑल्सो अ नाउन। सो माई वर्ड क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि माई डेस्क, मेरा डेस्क, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। जब नाउन के साथ लग के उस पर पोजेशन दिखाते हैं ना, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो डेस्क भी नाउन है, बुक भी नाउन है, ग्रामर इसके बारे में बता रहा है, ऊपर से माय डेस्क को मॉडिफाई कर रहा है। सो जो वर्ड नाउन के साथ लग के उसके बारे में बताए, नाउन मेरा है, आपका है, इसका है, उसका है, ये सब बताने वालों को भी हम एडजेक्टिव ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या है, ऑफकोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वी यूज टू हैव एन ओल्ड कार, कार इज नाउन, कैसी कार थी हमारे पास, ओल्ड कार, सो द वर्ड ओल्ड हियर इज यूज टू मॉडिफाई द नाउन कार। आई ब्रॉट अ, ही ब्रॉट एन एक्सपेंसिव मिरर फॉर मी, तो मिरर इज नाउन, एक्सपेंसिव उसकी क्वालिटी है कि ना मिरर कैसा है, एक्सपेंसिव है, सो इट इज अगेन एन एडजेक्टिव, एक्सपेंसिव इज एडजेक्टिव विच इज यूज टू मॉडिफाई द नाउन मिरर, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं सबको, हैप्पी, सैड, ओपन, क्लोज, इल, इंजर्ड, सो कैन यू मेक द सेंटेंस फ्रॉम दीज वर्ड्स, कि इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करके वी कैन वी मेक अ सेंटेंस लाइक ही इज अ हैप्पी पर्सन, ही इज अ सैड बॉय, दिस इज द ओपन विंडो, दिस इज क्लोज्ड विंडो, ठीक है, ill child, injured man, rich man, poor man, empty box, full box, यानी मैं कहूंगी this box is empty, या this is an empty box, this is a full box, this is an old car, this is a new car, right? So we can make a lot of sentence by using these adjectives, ठीक है।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।